उसने इस वीडियो को देख के काफी नहीं थी। दोस्तों जो ये फाड़ दिया था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मैं मुरली वाले हौसला इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस बार मैं आ चुका हूं अपने जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर। ये पावन सरजमी है आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ के वासियों को मेरा सादर प्रणाम अभिनंदन। चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं एक बार फिर से फटाफट के अंदाज में कि सांप है कौन सा। नजरें जमाए रखिएगा, ये दोस्तों BSNL की कोई ऑफिस है, इसी के अंदर सांप कोई बैठा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों तो खतरा हमेशा जीवन के साथ बना रहता है। आइए प्लीज़ कम फटाफट के अंदाज में दिखाते हैं दोस्तों, टाइम कम है अपने पास भी, प्लीज़। बड़ी बात यह है कि उनसे रूबरू कराना चाहता हूं जिन्होंने हमको याद किया है। यहां के अधिकारी महोदय जी हैं। सर आइए, आप अपना नाम बताइए, पूरा नाम पता बताइए, क्या नाम है आपका, कैसे क्या है। थैंक यू सर। मैं रवि प्रकाश हूं, SDO हूं, BSNL में कॉल सेंटर पोस्टिंग है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग यहां आते हैं तो कभी कभी जो मशीनें हैं उससे बैठते हैं सर। अच्छा। गर्मी के लिए तो हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो दिक्कत होती तो मैंने आपसे हेल्प मांगी। थैंक यू। मैंने फ़ोन किया आपको। जी जी, थैंक यू। आप लोग आए तो वीडियो आप देखते थे। जी जी, हमारी फैमिली पूरी आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो उनको हमारा प्रणाम बोलिएगा। और ये कौन सी जगह है? ये आपका कप्तानगंज है, BSNL कप्तानगंज है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। थाना कौन सा पड़ता है? थाना कप्तानगंज, बगल में थाना ही है। चलिए दिखाइए सर, वो सांप है कौन सा। ये है, यहाँ है, वहाँ पर है। अच्छा, ऊपर वाला। दोस्तों अभी देख सकते हैं, ऐसा मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है। ये दोस्तों अंदर क्यों आते हैं? ये बेचारे बड़े बेजुबान हैं, इनको इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन और हमारे उत्तर प्रदेश में इसको अजगर या चित्ता सांप के नाम से भी जानते हैं। ये BSNL की ऑफिस है, इसके अंदर गर्म हवा आती है ना सर, ऐसा कुछ? तो दोस्तों ये गर्म होने की वजह से अंदर आते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके जस्ट बगल में। दोस्तों बात ये आती है, जब हम इनको टच करते हैं तो ये बेचारे अपने बचाव के लिए इधर उधर कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। चलिए दोस्तों, और एक इधर भी बैठा हुआ, ये भी आप देख लीजिए, ऐसा मंत्र जिंदगी में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बात ये दोस्तों, इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा, नहीं कभी भी हादसा कर सकता है। अच्छा, इसमें करंट तो नहीं लगेगा? नहीं, करंट नहीं। दोस्तों इस वीडियो को देख के काफी नहीं कीजिएगा, भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो कभी भी खतरा हो, कभी भी खतरा हो। करंट तो नहीं है? हमें सिर्फ करंट से दोस्तों ये हो गया। चलिए इसको पहले पैक कर देते हैं और फिर दूसरा भी तो पैकेट ला दें बाहर से, फिर इसको ला दें लाइए बाहर। दोस्तों ये भी अपने बचाव के लिए बेचारा इस प्रकार से तो दोस्तों एक तो इसके अंदर पैक हो गया, दूसरा भी लाते हैं, इसी में पैक करते हैं। दोस्तों जरा सी चूक होती है, इसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं,
और ये बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ठंडक के महीने में ये बेचारे बाहर की दिशा से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं जहाँ पर मौसम गर्म लगता है। दोस्तों यहाँ पर साहब का कहना है कि यहाँ पर 2, 4, 5, 6 थे, कभी कभी दिखते हैं। ऑलरेडी दोस्तों 3 तो ऑफिस के अंदर आ चुके हैं और ये मशीनें हैं, मशीन के अंदर दोस्तों गर्म हवा चलती है। चलिए दोस्तों इस पर हम हाथ लगाते हैं, इसको धीरे से निकालते हैं। दोस्तों बगैर किसी छेड़छाड़ के किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं ये। आप देख के समझ सकते हैं ये बच्चा है, ये भी अभी दांत को भी दिखा दिए, इसे आप देख के समझ सकते हैं ये इसके दांत होते हैं। दोस्तों जो ये भोजन अपना करता है वो बगैर पचाए ही सीधे खड़े खा जाता है, इसकी लार ग्रंथियां बहुत एक्टिव होती है। चलिए इसे भी हम इसी झोले में पैक कर देते हैं। दोस्तों ये हो गया इसके अंदर 2 और अभी बाकी बचा है 1, उसको भी निकालते हैं। 1 मिनट का वक्त देते हैं। आइए तो दोस्तों चलिए इसे थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, इसमें करंट तो नहीं मारेगा? नहीं करंट नहीं, करंट नहीं है, डीसी है। पहले तो सर फाइबर निकाल दिया जाएगा। कुछ नहीं हो रहा ही नहीं। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा क्योंकि इसी समय खतरा होता है। दोस्तों ये है रॉक पाइथन की मुंडी और ये दोस्तों बहुत ही समझदार होता है। पहले ये समझता है कि हमारे ऊपर कोई अटैक तो नहीं करने वाला है, बहुत सोच समझ करके ही ये गलतियां करता है। अभी नीचे से चौंक देंगे ना निकल जाएगा छड़ी से, इधर से छेड़ दीजिए। हाँ जी, हाथ लगाइए इधर से, यही ना रुकी पहले। हाँ हाँ वही वही अंकल जी बता रहे हैं, धकेल दीजिए ऊपर हाथ से ही, हाथ से हाथ से हाथ से हाँ हाथ से हाँ हाँ और सही। डर है, डर है, दोनों कर रहा है, डर है ना सर, डर। अब निकालिएगा ऐसे निकालेंगे, हम तो ये डर रहे हैं करंट बनाने, नहीं करंट नहीं, और आप ये डर रहे हैं काट रहे हैं ये, इसको खाइए इसी आराम से। हाँ केवल लकड़ी का करें तो ये छोड़ता है, नहीं मुंडी नहीं, इसको आप निकालते रहिए बस, इसको निकालते रहिए नल पर निकल, इसको आप निकलिए इसको संभाल रहा नीचे नीचे हाँ काट नहीं इसको मुंडी पर मुंह पकड़ा हुआ है और बताइए लटाइए और बताइए काटेगा नहीं यार माफी भाग मुद रहा नहीं है। अरे तो आपको देख के कौन नहीं मारे कौन नहीं भीट का है और लटाइए हाँ निकलिए बिंदास ठीक है ऊपर कैसा निकलिए आराम ऊपर करके खींच लिए निकल जाएगा। हाँ बहुत सही, अब पकड़िए टाइट करिए इसको। हाँ बहुत सही और सर आराम से क्या होता है। हाँ ठीक पकड़ रही आप,
मुझे आ गया। आइए सर। बहुत अच्छा दोस्तों, इसके अंदर दो ऑलरेडी पहले से हैं और ये हो गया तीसरा इंडियन रॉक पाइथन। काफी जद्दोजहद हुआ, कड़ी मेहनत के बाद इसे कैच कर लिया गया। चलिए दोस्तों, इससे भी हम काफी दूर लेके चले। अच्छा, आप बताइए, हम लोग काफी गेम तक खेलना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अंदर तीनों राग पाइथन अजगर पैक कर लिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेजबानों को बचाने का जो हमारा नाता है, जो हमारा सिलसिला है, ये चलता रहेगा। बसरते दोस्तों उसमें आपकी ताकत, आपका मोहब्बत मुझे चाहिए। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेजबानों को बचाइए, इसे मारिए नहीं। गाँव में जब भी निकलता है तो लोग दोस्तों इसे मार देते हैं डर के मारे, या कभी कभी हम लेट पहुँचते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं कीजिएगा। इन्हीं से हमारा पर्यावरण सेफ है दोस्तों। और यहाँ सर भी बहुत अच्छे हैं, ये भी मेजबानों के ही बड़े प्रेमी निकले। इन्होंने भी हमको दो दिन से याद किया और ये ऑलरेडी दोस्तों यहीं पे सांप रहता था। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।